हमारे साथ बात करने के लिए हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी। मनोज जी, आप इस बार रामलीला में फिर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन रामलीला में इस बार मंदी की मार बहुत पड़ी है। जितने भी रामलीला से हम लोग बात कर रहे हैं, कहीं किसी ने कॉस्ट कटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है इस बार, किसी ने स्टेज पे कॉस्ट कटिंग कम किया है, किसी ने सजावट में कॉस्ट कटिंग किया हुआ है। मुझे ऐसी कोई जानकारी तो नहीं मिली है, क्योंकि अभी तो अब जैसे ये रामलीला है नौश्री मानव धर्म, तो ये तो पिछले साल इतना खर्चा ही नहीं करती थी, ये तो खर्चा बढ़ा दी अपना। क्योंकि देखिए, जब आप देश विदेश से बड़े बड़े आर्टिस्टों को लाएंगे, तो आपका उनको लाना, उनको ठहराना, खर्चा तो बढ़ेगा ही, और जो रेगुलर लोग करते हैं वो भी करते रहते हैं, अब इसके लिए इनको रामलीला में और भी तैयारी करनी पड़ेगी, तो खर्चा तो बढ़ रहा है। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि मंदी की जगह इसमें और ज़्यादा लाभ का असर दिख रहा है, ज़्यादा हो रही है। एक और अहम खबर है विधानसभा चुनाव को लेकर, कि सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि जिस तरह से लोकसभा में 75 से ऊपर वालों को टिकट नहीं दिया गया, उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी जो नए कैंडिडेट होंगे उनको 60 साल से ऊपर वालों को टिकट नहीं मिलेगी। इसको किस तरह से? नहीं, ये ऐसे किसी के अपनी अपने लोक चर्चा में ला सकते हैं, पार्टी का ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ है। एक और खबर आ रही है आप ही को लेकर, कि जिस तरह से पार्टी में जो झगड़ा हो रहा है बार बार पे सीएम कैंडिडेट को, तो सांसदों को शायद इस बार विधानसभा चुनाव में लड़ाया जा सकता है, कि जो सांसद और उनको 10 विधानसभा चुनाव का उनको टारगेट दे दिया जाए और खुद उनको चुनाव मैदान में उतारा जाए। अब आप देखिए, प्रदेश अध्यक्ष से आप पूछ रहे हैं और मेरी ही पार्टी की बात पूछ रहे हैं। मैं आपको ऑफिशियली बता सकता हूं कि इस समय पार्टी के अंदर बहुत ही एकजुटता है, और हम लोग रोज़ बैठते हैं, मिल मिला के हम लोग डिसीजन लेते हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे प्रभारी बन के आए हैं, और एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा कई लोगों की होती है, उसके बाद भी हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक निर्णय जो हो जाता है उसका सभी लोग मिलकर के सफल करने में लगते हैं, और इस समय पार्टी के एकता का और प्रेम का ही ये रिजल्ट है कि हम निगम भी जीते, हम सांसद भी जीते, हम डोसू भी जीते, और हम आगे आने वाला चुनाव भी पक्का जीतेंगे, हमारा विश्वास। अरविंद केजरीवाल कल व्यापारियों से मीटिंग किया था, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अर्थव्यवस्था अगर जल्दी ठीक नहीं होगा तो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत कम होगा, उसे काफ़ी नुकसान भी होगा। अब अरविंद केजरीवाल जी को ये जवाब देना चाहिए कि आपका हर साल 10-11 हजार करोड़ रुपया लैप्स हो रहा है, तो जिस प्रदेश का 10 हजार करोड़ से ज़्यादा लैप्स हो रहा है उसको कौन से टैक्स की चिंता है, ये दिल्ली की जनता को बताएं अरविंद केजरीवाल जी। और पूरे 5 साल में आपने ग्रीन टैक्स का एक पैसा भी यूज होते हुए नहीं देखा, ये आपको भी जानकारी है, हमको भी जानकारी है कि जो ग्रीन सेस टैक्स आता है 2 हजार करोड़ रुपया हो गया है, उसका तो आपके पास खर्च करने का एक का आपने उपाय नहीं चलाया। आप कम से कम पेरीफेरी रोड बनाने में ही जो आपका हिस्सा है 490 करोड़ के आसपास वही दे दिए होते, तो चाहे वो व्यापारियों का सम्मेलन बुलाएं या वो इस समय कुछ फ्री कर दें, इस समय वो सब काम करने में लगे हैं, जबकि यही अरविंद केजरीवाल जी हैं कि मोदी जी कुछ नहीं करने दे रहे और मोदी जी वहीं अब ये करने लग रहे। तो इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ही दिल्ली को कुछ भी नहीं करने का ठान लिया था। अब एक 4 महीने के मेहमान है, वो ऐड भी आजकल चला रहे हैं 10 हफ्ते 10 घंटे 10 बजे, तो वो आप समझ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, मैं 10 हफ्ते का मेहमान हूँ, 10 हफ्ते 10 घंटे का, तो खुद ही जो कह रहे हैं उनको पता चल गया है कि भैया दिल्ली की जनता को मैंने जितना तकलीफ़ दिया है, जितना झूठ बोला है, जितना फरेब किया है, जितना कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है, अब कोई भी वापस उनसे जुड़ने वाला नहीं।